हेलो फ्रेंड्स, संगीताज होम टिप्स में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत। तो आज मैं दिखाऊंगी थोड़ा सा, गांव आए थे तो ट्रेन का थोड़ा सा व्यू रास्ते का। तो ये देखिए, अच्छा लग रहा था इसीलिए मैंने ले लिया। व्यू देखने के बाद बहुत सारे ब्लॉग के अंदर रेसिपी भी है, तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो गांव आने के बाद घर में पूजा हुई थी, तो उसका भी थोड़ा सा वीडियो मैं दिखाऊंगी। और बहुत सारा खाना बना था, तो खाने में हमने बनाए थे दही वाले आलू, हलवाई स्टाइल दही वाले आलू की सब्जी। तो वो रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो लास्ट तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले रेसिपी शुरू कर रहे हैं हम। तो रेसिपी के पहले ये देखिए, मैं थोड़े से पूजा का दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, ये हवन किए थे गायत्री माता का, हवन हुआ था। तो हवन करवाने वाले ये मेरे ताऊ जी हैं, तो ये हवन करवाते हैं। और ये अभी आहुति लग रही है। तो अब देखिए, हम सब्जी बना रहे हैं। तो पहले मैंने 4 से 5 चम्मच मिर्ची ले ली है, और अब ये देखिए 3 से 3.5 चम्मच मैंने डाल दिया है हल्दी, क्योंकि हम बहुत सारी सब्जी बना रहे हैं और 3 से 4 किलो आलू की सब्जी बना रहे हैं। तो अब डाल देते हैं नमक इसमें, मसाले में ही टेस्ट के अनुसार। तो नमक टेस्ट के अनुसार डाल दीजिए। और ये देखिए, 1 बड़ा चम्मच भर के मैंने डाला है धनिया पाउडर। और अब इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, ताकि जो मिर्ची का पाउडर है, जो मसाला है, अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। और जब हम सब्जी बनाएंगे, मसाला डालेंगे, तो मसाला जलेगा भी नहीं। तो पहले से इस तरह से मिक्स करके रख लेना है। सूखे मसाले हम डालते हैं तो तेल में जलने का डर ज़्यादा रहता है। तो इस तरह से मसाला हमने तैयार कर लिया है। और ये देखिए, मैंने लिया है दही, तो दही को पहले फेंट के रख देंगे साइड में। तो ये 1 लीटर दही लिया है, तो दही को अच्छे से फेंट लेंगे। तो ये देखिए, दही तैयार हो गया है, तो इसको साइड में रख देते हैं। और ये हमने मसाला पीस के तैयार किया है, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और प्याज, चारों चीज़ों का ये पेस्ट तैयार है। तो चलिए अभी चूल्हा जलाते हैं। तो चूल्हा हमने जला लिया है, और चूल्हे पे टोप रख दिया है। टोप में डाल दिया है सरसों का तेल। तो
काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सब्ज़ी बन रही है, तो बड़े वाले टोप में हम सब्ज़ी बना रहे हैं। तो तेल गरम हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे जीरा, चूल्हे पे सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। और अब डाल देंगे फ्रेश कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता का पेड़ भी घर पे ही है तो फ्रेश फ्रेश तोड़ के डालते हैं तो वो सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो बहुत सारे हमने कड़ी पत्ता डाल दिया है, कड़ी पत्ता अच्छे से चला देंगे ताकि कड़ी पत्ता का जो है कलर चेंज हो जाए। और जो हमने मसाला पीस के तैयार किया था अब वो डाल देते हैं। और मसाले को अच्छी तरीके से चला देंगे और हरी मिर्ची लहसुन अदरक प्याज को अच्छे से पकने देंगे। लगभग 3 से 4 मिनट इस मसाले को अच्छे से पकाएंगे। तो ये देखिए अभी मसाला पक गया है। तो हमने जो लाल मिर्च और हल्दी धनिया नमक का पेस्ट बनाया था, वो यानी कि मसाला बनाया था, वो भी डाल देंगे और उसको भी अच्छे तरीके से पकाएंगे। तो ये देखिए ये मसाला भी अच्छे तरीके से पक गया है। अब इसमें थोड़ा सा डालेंगे धनिया, साबुत धनिया, इससे सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप चाहे तो इसे तड़के में भी तेल में भी डाल सकते हैं या तो ऊपर से भी बाद में डाल सकते हैं। तो धनिया डालने से सब्ज़ी का टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये हमने डाल दिया है 5 से 6 टमाटर लिए थे, टमाटर को मिक्सी में पीस लिए थे, प्योरी बना लिए थे। तो ये है पीसे हुए टमाटर, टमाटर की प्यूरी। तो टमाटर को भी अच्छे से डाल के अब मसाले को अच्छे से पकने देंगे, 5 से 6 मिनट और इस मसाले को अच्छे से पकाएंगे। मसाला अच्छे से पका हुआ रहता है तभी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो मसाले को अच्छे से पकाइए। तो ये देखिए मसाले के ऊपर तेल निकल आया है, मसाला पक गया है। अब इसमें डाल देंगे फेंटा हुआ दही, और दही डालने के बाद लगातार इसे चलाते रहेंगे ताकि दही फटे ना। जब तक ये गर्म हो जाए, उबाल आने लगे, तब तक इसे चलाना है, छोड़ना नहीं है। तो ये देखिए उबाल आ गया है, अब इसे छोड़ सकते हैं। तो मैंने धो के थोड़ा सा पानी और डाल दिया था। और ये देखिए मसाला भी पक गया है, दही भी अच्छा गर्म हो गया है, तेल निकल आया है पूरा ऊपर। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे उबले हुए आलू। तो ये 4 किलो उबले हुए आलू हैं। तो आलू को उबाल के मोटे मोटे टुकड़ों में मैश किया है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं मैश किया है। आलू डालने के बाद अच्छे से इसे चला देंगे और ज़रूरत के अनुसार हम इसमें और पानी ऐड कर देंगे। हमें सब्ज़ी में जितनी ग्रेवी चाहिए उसी हिसाब से हम पानी ऐड कर देंगे इसमें। और पानी ऐड करने के बाद इसे और 4 से 5 मिनट अच्छे से पका लेंगे। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गई है और हमने ज़रूरत के अनुसार इसमें पानी डाल दिया था। और ये देखिए इस तरह की सब्ज़ी हमें चाहिए थी इतनी ग्रेवी की, ये देखिए। तो ये सब्ज़ी हमारी बनके तैयार हो गई है। इसमें हमें ऊपर से हरा धनिया डाल दिया है, थोड़ी सी हमें डाल दी है कसूरी मेथी, और ये हमारी सब्ज़ी बिल्कुल तैयार हो गई है। और ये बन रही है गर्मा गर्म पूड़ी, सब्ज़ी बनने के बाद गर्मा गर्म पूड़ियाँ बना रही हैं। और तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताना। थैंक यू।